Ladies and gentlemen, big round of applause. देख भाई, ऐसे ही होता है जब तू एक्टर की स्क्रिप्ट चुरा के उसके ट्रेलर लॉन्च के ऊपर ऐसे घुस जाता है। पर ये स्क्रिप्ट मेरी है। अबे दो मिनट के लिए लाइट क्या गई, तू तो बीच में ही घुस गया भाई। ये स्क्रिप्ट तेरी है? हाँ, मैंने ही लिखी अपनी मेहनत से, वो चली नहीं मेहनत। अच्छा, पिक्चर भी तेरी होगी भाई फिर तो? नहीं, पिक्चर तो आपके पास, स्क्रिप्ट ये वाली मेरी, मतलब मैं। अच्छा, अगर ये तेरी स्क्रिप्ट, तो एक काम करते हैं, तो जोक मार, मैं उसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है? अगर मैंने तुझे पकड़ लिया, मतलब स्क्रिप्ट मेरी है। ठीक है, मार। तो हाँ, मेरा नाम गौरव है, तेरा नाम भी गौरव है। तेरे को बोला हम लिख करके लाए, घर से तू लगा पड़ा बम्बू देने के लिए बीच में। तो शायद भाई, अगला जोक मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ इस प्रकार है। मुझे ऐसा लग रहा है तू ही मार ले, मैं नीचे जाता हूँ। नहीं नहीं, आप रहो यहाँ पे। अगला जोक कुछ इस प्रकार है कि आपको याद होगा जब घर में लाइट जाती थी ना, तो मोमबत्ती आती थी। हाँ, मोमबत्ती में हम पढ़ाई किया करते थे, है ना? और मोमबत्ती के छोटे छोटे पल बना के रखा करते थे, क्योंकि रियल वाले तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। बात तो सही है। और एक और काम किया करते थे मोमबत्ती से, हम कीड़े जलाते थे। हाँ, सेडिस्टिक प्लेजर मिलता था उससे, शांति। मच्छरों को भी जला देते थे हम लोग, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक रैकेट तो अभी आया है ना। हाँ, ऐसे ही कुछ था ना तेरा जोक। अगला वाला बोल भाई। पर यार, आपने जलाया कभी मोमबत्ती से मच्छर? क्या मजा आता है यार, कसम से। उसके अलावा वो भी तो था ना, जब लाइट जाती थी तो घर में पंखा भी वो घर में वो हाथ वाला गट्टे वाला पंखा आता था, है ना? और उससे मम्मी पंखा मार मार के डोले बना लेती थी, है ना? ऐसे कुछ जोक था तेरा। हाँ, वही डोले वाला चांटा तो मुझे पड़ा था मीर के टाइम पे भाई। अब क्लियर हो गया? हाँ, मतलब कि मेरी पिक्चर का लॉन्च है। हाँ, मेरी स्क्रिप्ट है। हाँ, स्क्रिप्ट भी आपकी है शायद। तो भाई, अब तू क्यों चले जाना है? देखो, अब मैं आके चेप तो हो ही चुका हूँ और पूरा पेमेंट भी आ चुका मेरा, ठीक है? तो मेरे को रहने दो अपने साथ थोड़ी देर, दो मिनट में आपके साथ बस बिता। चल, तू दिल्ली का, मैं भी दिल्ली का, तो इट्स ओके। हाँ, ठीक है, हम दोनों दिल्ली के हैं वैसे। ठीक है भाई। तो इसको अलग ही बम्बू हो रहा है यार। हम चार लाइनें लिख दी, किसी को कोई लाभ नहीं, तो बोला बंदे खुश। हाँ यार, मजा। ठीक है। हाँ, तो हम दिल्ली के हैं, आप भी दिल्ली के हो। मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ दिल्ली के। देखो, हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, इनके इनके जो शोज होते हैं ना, बहुत एंटरटेनिंग होते हैं और काफी अब्यूजिव होते हैं ऑडियंस की तरफ। हाँ। तो ये कंट्रोल में रह रहे हैं अभी। हाँ। थोड़ा कोऑपरेट कर लो यार। मैं भूत उतार देता एक तो भाई। ठीक है, तो जैसे हम लोग दिल्ली के, तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा, पूछना चाहता हूं मैं आपसे, कि जब बत्ती जाती, बत्ती गुल होती थी, पर उसके बाद बत्ती आने का अलग ही फीलिंग नहीं होती थी, मतलब एक अलग ही खुशी की फीलिंग है जब लाइट आ जाती। कमाल की याद दिला दी तूने यार। क्या है ये, बॉम्बे में है ना एसीज होते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ड्राई हीट होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती, तो वहाँ पे कूलर होते हैं। हाँ, और कूलर के आगे मैं तो आती हवा आती, मतलब मुंह दो मिनट तक। अबे तू तो अपना मुंह लगा देता था, हम लोग तो वेट करते थे वो पहले तीन चार मिनट जो कूलर थूकता है ना, जो पांच छह थूक निकलती कूलर के ऑन होने के बाद, वो किसके ऊपर पड़ेगी, उसी थूक में लाइफ निकल जाती थी। ये बात तो मजेदार थी, पर मेरे को याद है कि दो मिनट बाद उसमें बदबू भी आती थी, पंप की बदबू नहीं। अबे छोले भटूरे की बदबू थी बेटा। हाँ, वो दिल्ली की थोड़ी बदबू रहती है। अच्छा, एक छोटा सा एक्सपीरियंस और पूछना चाहता हूँ। ये तो चलो बत्ती आने का एक्सपीरियंस हो गया। जी जी। पर जब बत्ती गुल होती थी, तो कुछ ऐसे घर के नीचे कुछ अच्छा माहौल वाल बनता था आपके? अरे, कार्निवल का माहौल बन जाता था यार नीचे। एक्चुअली हम लोग एक बहुत बड़ी लोकैलिटी में रहते थे दिल्ली में ना, बड़ी बड़ी लोकैलिटीज होती हैं, ऐसे छोटी छोटी बिल्डिंगें नहीं होती हैं। तो हम सात आठ लोगों का एक बत्ती गुल ग्रुप बन गया था। जब भी लाइट जाती थी ना, हम लोग नीचे जाके वहाँ पे छुपन छुपाई खेलते थे, टाइम पास करते थे। लेकिन एक दिन एक बहुत बुरी बात हुई यार। क्या? एक दोस्त के पापा ने घर पे इन्वर्टर लगा लिया, तो आना बंद कर दिया ना उसने। दोस्ती टूट गई क्या? हाँ, अमीर हो गया वो। हाँ यार, ये अमीर लोग किसी के दोस्त नहीं होते यार। अच्छा भाई, अब तेरा खत्म हो गया तो मैं तुझे लेके जाऊँ? हाँ, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, बी अ स्पॉट, बी अ स्पॉट, बी अ स्पॉट। थैंक यू वेरी मच। और आफ्टर हैविंग दैट लिटिल बिट ऑफ फन, अब कुछ नॉटी नॉटी बातें करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारी फिल्म की हीरोइन, लेडीज एंड जेंटलमैन, श्रद्धा कपूर, द वन एंड ओनली नॉटी। हेलो हेलो एवरीवन। तो श्रद्धा, मैं पूछना चाहूंगा कि इस फिल्म में आपने ऐसे कौन सी नॉटी हरकत की है जिसकी वजह से आपका नाम ही इस फिल्म के अंदर नॉटी पड़ गया? करेक्ट, मेरा नाम इस फिल्म में, एक्चुअली मेरा निकनेम है नॉटी। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मुझे नॉटी बुलाते हैं मेरे फ्रेंड्स। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली मेरा रियल नेम है ललिता नॉटियाल, तो लोग मुझे प्यार से नॉटी बुलाते हैं। Wow. और मुझे लगता है कि मैं उत्तराखंड की ही नहीं, पूरे दुनिया की बेस्टेस्ट डिजाइनर हूँ, लेकिन वो सच नहीं है, वो सिर्फ मेरे दिमाग में है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा कि क्यों मैं इतनी अच्छी डिजाइनर नहीं हूँ, पर सिर्फ मुझे ही लगता है कि मैं सबसे बेस्ट डिजाइनर हूँ, तो यस। अच्छा, दूसरा सवाल ये, आप जानती हैं कि ये फिल्म जो है, दिस इज अबाउट द इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, और आज की तारीख में एनर्जी कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू है। तो क्या आपने अपनी तरफ से कभी कोई सैक्रिफाइस किया है, ऐसा कोई अपनी चीज सैक्रिफाइस की है इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, कभी आपने ऐसा किया? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स की है मैंने।
कभी क्या होता है कि आप जल्द में होते हो, यू हैव टू गेट समवेयर, तो मैंने गीजर बंद रखा है, मैंने गर्म पानी सैक्रिफाइस किया, कभी कभी एसी ऑन नहीं किया, तो मैंने ठंडी हवा सैक्रिफाइस किया। गर्म पानी और ठंडी हवा, अमेजिंग, बिल्कुल। और आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। वो क्या है कि एक्चुअली मैंने सबसे बेस्ट ब्लो ड्राई का तरीका खोजा है। अच्छा। वो ये है कि हेयर ड्रायर मत यूज करो, मत यूज ऑटो में बैठो। उससे क्या होता है, जो ब्लो ड्राई मिलता है ना, बॉस, सब लड़कियां ऐसी, लड़कों ने बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया। जो व्हाट इज शी ट्राइंग टू से, एंड द गर्ल्स आर लाइक आई नो एग्जैक्टली व्हाट ही इज ट्राइंग। जो वो ऑटो की जो हवा है ना, तो ऐसे ऐसे करके जो ब्लो ड्राई मिलता है ना, इट्स द बेस्ट ब्लो ड्राई। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। अब आप इस शो को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूंगी हमारे कूल इलेक्ट्रिफाइंग डूड के साथ, जो है दिव्येंदु। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर an extremely extremely special part of this cast, an amazing actor, a friend, and we've all spent a lot of time together, and so yeah, Divyendu, thank you guys. Woo! Thank you so much. Thank you. And Shahid bhai, ek sawal aur puch lo. Abbe yaar, tu phir aa gaya abhi, to niche se ya to upar aa ja ya niche, abbe upar hi aake puch le bhai. Yaar abhi main aaya hu Gaurav, tu phir se aa gaya, matlab kuch timing bhi hoti hai ki nahi? Sorry yaar, ab aa gaya, ab kya kar sakte hain yaar, bol ab kya hai. Ek mera sawal hai aapse, aap kabhi life mein tagda batti gul, aap bhi Delhi se hi ho? Haan ji. तो ये तो हमारा दिल्ली वाला रियूनियन हो रहा है, मतलब आई एम रियली सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके, ये पूरा बॉम्बे वाला हो रहा है, ओ सॉरी, ठीक है, कोई नहीं, अभी हम दिल्ली वाले बंदे सवाल पूछेंगे अगला कि दिव्येंदु भाई, आपका सबसे तगड़ा बत्ती गुल एक्सपीरियंस क्या रहा है, मतलब क्या मजा करते थे जब बत्ती जाती थी, मजे होते थे ना यार? हाँ, सबसे पहले आई थिंक छुपन छुपाई खेलते थे, जिसको हाइड एंड सीक भी बोलते हैं, बड़े होके पता चला, तो उसको खेलने बड़ा मजा आता था, बट द मेन थिंग यूज टू बी, जब रात को लाइट चली जाती थी, तो उसके बाद जब गर्मी लगती थी, तो छत पे गद्दा डाल के जो सोने में मजा आता था ना, बॉम्बे में शायद उतनी छतों का एक्सेस नहीं है हम लोगों के पास, बट बॉस वो जो फीलिंग है ना, रात को सोने की गद्दा डाल के, सर्दियों में धूप सेकने की, पापड़ सुखाने की, आई मीन छत इज समथिंग। यहाँ की छतें थोड़ी वेट ज्यादा होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वुड लाइक टू नाउ गेट अलॉन्ग विद द शो एंड शो यू द ट्रेलर फाइनली। तू जाने वाला नहीं जा रहा, अच्छा तू कंप्लीट तो कर दे इसको, मतलब जो भी बोलना है तुझे एंड में। नहीं, मेरे को आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, इसको तो बाहर मिलूंगा मैं तुझे। तो बत्ती गुल मीटर, नहीं बत्ती गुल मीटर चालू, यस। तू चुप रह, ठीक है गाइस, कैन वी प्लीज गिव इट अप विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू बत्ती गुल मीटर चालू ट्रेलर, यस। ऑल्सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन, आई एम बैक टू माई एमसीइंग मोड नाउ, वो सब हो गया शुरू वाला, थैंक यू सो मच। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेयर्स लगा सकते हैं पीछे एक एक करके, लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, मिस्टर श्री नारायण सिंह। आफ्टर टॉयलेट एक प्रेम कर था, ही इज ऑल सेट टू गिव अस अनदर ब्लॉकबस्टर, यस। एक बार जोरदार तालियों स्वागत करेंगे प्लीज। सेकेंडली आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज, एक्चुअली ना हर फिल्म की एक जर्नी होती है, इसलिए अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर भूषण कुमार जी को, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। चेयरमैन एंड कर्ता धर्ता ऑफ टी सीरीज, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर का सिलसिला सा चालू कर दिया है, ही इज अ मैन विद अ विजन एंड इज कमिटेड टू गिव ऑडियंसेस मीनिंगफुल कंटेंट ड्रिवन फैमिली एंटरटेनर्स अक्रॉस जॉनर्स, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भूषण कुमार जी के लिए। ऑल्सो आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज प्रोड्यूसर नितिन चंद्रचूड जी ऑन स्टेज। नितिन जी एब्सेंट। नाउ एक पिक्चर ना राइटर्स के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि भाई उसे लिखते हैं, उसके बाद उसे बनाई जाती है। एक बार स्टेज पे जोरदार तालियों के साथ बुलाएंगे राइटर्स ऑफ द मूवी गरिमा एंड सिद्धार्थ। हाँ यार, खुश रहो यार थोड़े। अभी सुनो, अब एक एक बंदा जब स्टेज पे आएगा ना, आई विल ओनली कॉल द पर्सन इफ यू गिव मी अ प्रॉपर अप्लॉज। सब जोश में रहोगे थोड़ा 5 मिनट के लिए प्लीज गाइस, तुम क्योंकि तुम लोग ही ऑडियंस हो यार, फोटो खींच जाएगी, थोड़ा मजे तो लो, ठीक है। प्लीज कॉल अपॉन द कास्ट ऑफ द स्टेज, गिव इट अप फॉर दिव्येंदु शर्मा फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रद्धा कपूर एंड गाइस शाहिद कपूर, गिव इट अप फॉर देम, यस। Should we give it up for the chairs also? Yeah, I mean, I was asking for that. This is for the photo op. Yes, it's for the photo op.
Okay, I am really sorry. I would like to call a few more people on stage. President, Marketing, Media and Publishing, please give it up to Mr. Vinod Bhanushali. Yaar, thoda josh dikhao na, guys, come on. Kaam kar lo, sorry. Senior VP Films, Mr. Shiv Channa. And Mr. Vijender Arora. I would also like to call upon stage Mr. Anu Malik and Parampara and Siddharth Sachet. Parampara and Sachet, I'm sorry. I would like to request the cast, director and producer to stay on stage.
northeast of the country. Then I did a film called Udta Punjab, which is about the drug problem in Punjab. And today I'm doing this film, Batti Gul Meter Chalu. So it's kind of my third film, which talks about something which I think is a relevant social issue and is something that people in the country are going through. And I must tell you that after I did those two films in the past, the kind of love that I got from people who were affected by that situation was so overwhelming. इतना सामने से लोगों ने फोन करके कनेक्ट करके मैसेजेस भेज के बताया है दैट यू नो बिकॉज वी स्पोक अबाउट द इशू इट बिकेम लार्ज इनफ फॉर द मीडिया टू बी इंटरेस्टेड इन इट एंड वंस द मीडिया गेट्स इंटरेस्टेड इन इट देन इट बिकम्स एन इशू विच समबडी हैज़ टू डू समथिंग अबाउट अदरवाइज यू नो नोबडी वॉन्ट्स टू हैव अ बैड नेम सो आई थिंक ये जो इशूज़ हैं इनके ऊपर फिल्में बनाना और इन फिल्मों को जितनी आप वाइडर ऑडियंस तक पहुँचा सकते हो पहुँचाना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ही हिस्सा नहीं है बट ऑन अ ह्यूमन लेवल आई थिंक इट इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज़ रेलिवेंट एंड दैट इज़ गुड फॉर द कंट्री सो आई फील वेरी प्राउड कि मुझे ये मौका मिला जब मैंने टॉयलेट भी देखी थी मैंने श्री सर से कहा था दैट आई फील वेरी प्राउड कि किसी इंसान ने एक जो आम यू नो इन नॉर्मल थिंकिंग यू वुड थिंक ये बहुत छोटा सा इशू है ठीक है यार कहीं कुछ सैनिटेशन नहीं है ये नहीं बट लोगों के लिए बहुत बड़े इशूज हैं तो अगर इन इशूज को एज एक्टर्स हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो शायद हम अपनी अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास मौका है एज एक्टर्स कोई अच्छी चीज़ को कहने का तो हम उसे खो देंगे तो आई थिंक हर एक्टर को जब भी मौका मिले और हम कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहते हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाना चाहते हैं बिकॉज अगर वो डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो कहीं इट विल नेवर रीच एनीवेयर यू हैव टू मेक इट एन एंटरटेनिंग फिल्म यू हैव टू टेक मेन स्ट्रीम एक्टर्स यू हैव टू टेक पीपल सो दैट यू कैन स्प्रेड इट एज वाइड एज पॉसिबल सो द इशू गेट्स एड्रेस्ड फॉर द वाइडेस्ट पॉसिबल ऑडियंस दैट्स व्हाट आई फील हेलो मेरा सवाल शाहिद जी से है आरती सक्सेना काफी टाइम के बाद आपको देख रहे हैं पद्मावती के बाद तो मतलब बोल सकते हैं कि मीटर आपका चालू था लेकिन बत्ती गुल थी मतलब आप तो स्टेटमेंट मार रही है मैं इस पे जवाब क्या दूं नहीं स्टेटमेंट मेरा यही है आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा मीटर चालू हो गया फिर से ये तो एक्चुअली मेरे यूजुअली मेरी एक साल में एक फिल्म आती है ये तो मेरी दूसरी फिल्म आ गई इस साल में तो मैं तो मेरी टीम और मैं तो बड़े वी आर अमेजिंग वी हैव डन अ सेकंड फिल्म इन द सेम ईयर तो हम तो बड़ा वी फील इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट कि हमने यू नो एक सेकंड फिल्म अचीव कर ली एक ही साल में नहीं लेकिन आपको सिंगल देखने में ज्यादा मजा आता है पद्मावती में काफी मुझे सिंगल देखने में आपको ज्यादा मजा आता है ये बात शायद मुझे अपनी बीवी से शेयर करनी पड़ेगी नहीं नहीं इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन आई थिंक नहीं नहीं लाइक मल्टी स्टारर फिल्म में नहीं सोलो हीरो में देखने में मजा आता है जैसे भी इसमें आप नजर आ रहे हैं तो ये एक धमाकेदार एंट्री है आपकी नहीं बट मुझे ये जरूर कहना चाहिए दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड आई थिंक कैरेक्टर्स और फिल्म की जो कहानी होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वन हीरो टू हीरो मैंने कभी फिल्में उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की हैं चाहे वो उड़ता पंजाब हो जिसमें दिलजीत थे चाहे वो रंगून हो जिसमें सैफ थे चाहे वो पद्मावत हो जिसमें रणवीर थे और इस फिल्म के अंदर भी देवेंदु जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शायद लोगों को ये नहीं पता है क्योंकि उन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है लेकिन उनकी प्रेजेंस एक बहुत अहम प्रेजेंस है इस फिल्म के अंदर और मैं उसको एक लीडिंग पार्ट से कम नहीं मानूंगा ये बहुत ही अच्छा रोल है उनके लिए शायद जब लोग फिल्म देखेंगे तो वो समझेंगे एक्चुअली उनके कैरेक्टर की वजह से ही सब कुछ होता है फिल्म के अंदर तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही कहानियों को चुनें और सही कहानियों को कहने की कोशिश करें नहीं तो शायद दंगल कभी बनती नहीं क्योंकि वो तो दो बेटियों की कहानी थी और फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे आमिर खान सो आई थिंक वी नीड टू ग्रो बियॉन्ड दीज लिमिटेशंस जो हम अपने ऊपर डाल देते हैं और आई अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट लेकिन मैं इन चीज़ों को कभी सीरियसली नहीं लेता मैं अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहता हूँ मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जो लोगों तक कुछ अच्छा कह पाएँ शायद उनके दिल को थोड़ा सा टच कर पाएँ उनको थोड़ा हंसा पाएँ उसमें जितने भी लोगों आए आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम और आपके भाई की फिल्म रिलीज हुई धड़क लेकिन आप कहीं सोलो भी प्रमोशन हाँ सोलो हीरो फिल्म लेकिन प्रमोशन में आपके प्यारे भाई है लेकिन आप कहीं भी नजर नहीं आए प्रमोशन में जी मुझे बुलाया नहीं मैंने आज ही सुबह उसको मैसेज किया मैंने फोटो देखी इंस्टाग्राम पे कुछ उनकी पार्टी हुई आफ्टर पार्टी सक्सेस पार्टी हुई तो मैंने उसको कहा भाई थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो तो मुझे बोला नो ब्रो आई वाज नॉट श्योर इफ आई वांट टू कॉल एनीबॉडी तो यू नो एंड हैविंग सेड दैट यू नो जब उनका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो मैं टिहरी में ही शूटिंग कर रहा था एंड आई रिमेंबर आई वाज ड्राइविंग डाउन ऑन नेटवर्क बहुत ख़राब है एंड आई वाज ट्राइंग टू स्ट्रीम द ट्रेलर एंड सी इट और मेरी उससे बात हुई थी एंड मैं शायद सिर्फ यही कहूँगा कि ईशान इतना अच्छा एक्टर है कि उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है वो मेरे बिना ही ठीक है अच्छा मेरा आखिरी सवाल डायरेक्टर साहब से है कि लाइक कमल जी का इंटरव्यू किया था अभी तो उन्होंने कहा था एक्टर जो मैसेज दे सकता है वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकता तो फिर कहेंगे आपका सवाल क्या था मुझे समझ में नहीं कमल हसन जी का बीच में इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि जो एक्टर उन्होंने एक सही वर्ड्स में यूज किया भांड तो उन्होंने कहा जो एक्टर मैसेज दे सकता है अपने बातों से वो एक प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकता
तो लाइक राजा भी नहीं दे सकता, उनका कहने का ये मतलब था. तो मुझे ये पूछना था कि टॉयलेट एक प्रेम कथा और ये आपकी फिल्म बत्ती गुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है बॉम्बे में ही नहीं हर जगह पे, लेकिन कितना असर होता है आप लोगों की बातों का गवर्नमेंट पे और ये इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट पे? आई थिंक हर चीज़ फिल्म पर डिपेंड करती है. फिल्म सबसे इम्पोर्टेंट होती है. अगर फिल्म अच्छी बनी है और अगर फिल्म लोगों तक पहुंच पाती है और उनके दिलों को छू पाती है और कितनी ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाती है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना यू नो उस इशू को कहाँ तक ले जा सकते हैं. आई वुड नॉट वॉन्ट टू कॉमेंट बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन, सो आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू ड्रॉ एनी पैरेलल्स आउट देयर. बट इफ यू मेक अ गुड फिल्म यू विल बी एबल टू रीच आउट टू मेनी 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 पीपल एंड दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी विच ऑल ऑफ अस हैव. हाय शाहिद, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. शाहिद, अभी आपने हैदर की बात की और उड़ता पंजाब की बात की. अब ये भी एक सोशल इशू बेस्ड फिल्म है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप लोग बता रहे हैं. मैं जानना चाहूँगा क्या अब ये कॉन्शियस एफर्ट होगा कि बाकी जिस तरह की मेन स्ट्रीम फिल्में आप करते रहे हैं, एंटरटेनिंग फिल्में करते रहे हैं, उसके बीच बीच में इस तरह की सोशली रिलेवेंट फिल्में आप करते रहें, ये कॉन्शियसली आप एफर्ट लेंगे क्या? आई थिंक मैं इस फिल्म को मेन स्ट्रीम से अलग बिल्कुल भी नहीं कहूँगा. आई थिंक दिस इज़ एन एक्सट्रीमली मेन स्ट्रीम फिल्म. आप लोगों ने ट्रेलर देखा है. आई थिंक इशूज़ डोंट मेक अ फिल्म नॉन मेन स्ट्रीम. आई थिंक द टेक ऑन द इशू मेक्स अ फिल्म नॉन मेन स्ट्रीम. तो अगर इस फिल्म का टाइटल कुछ बड़ा सीरियस सा होता, यू नो कि अंधेरे का समथिंग और व्हाटएवर ऐसा कुछ नाम होता, तो शायद इस फिल्म की टोनैलिटी अलग होती और इस फिल्म की रीच थोड़ी लिमिटेड होती. मेरा बिलीफ हमेशा से ये रहा है कि अगर आप कुछ अच्छा कहना चाहते हैं तो जितने तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए. और आई थिंक यही सबसे बड़ा टैलेंट है श्री सर का. टॉयलेट में भी उन्होंने एक इशू ऐसा उठाया, टॉयलेट ऐसा वर्ड है शायद बहुत लोग पुट ऑफ हो जाएं, बट इट कुड रीच सच अ वाइड नंबर ऑफ पीपल बिकॉज द वे ही टेल्स हिज स्टोरी इज लाइक अ कमर्शियल फिल्म. तो इस फिल्म के अंदर आई वुड से वी हैव टेकन दैट वन स्टेप अहेड बिकॉज इस फिल्म का टाइटल अगर आप देखो तो बत्ती गुल मीटर चालू, इट्स अ वेरी क्वर्की टाइटल. अगर आप फिल्म का ट्रेलर देखें तो इट्स ऑल फुल ऑफ ह्यूमर एंड फन, और उसके बीच में जहाँ जहाँ मैसेज देने का मौका मिला है दिया है. आई थिंक दिस ही शुड आंसर बेटर. आपको इसके बारे में कुछ कहना चाहिए सर? सो उनका क्वेश्चन ये है कि वो सोशली रेलिवेंट फिल्म आप बनाते रहें, बीच बीच में कमर्शियल फिल्मों के बीच बीच में करते रहें, तो ऐसा कुछ उनका सवाल था. ओके गाइस, वी विल टेक टू मोर क्वेश्चंस आफ्टर दिस. आई वांट टू आस्क द डायरेक्टर एंड द एक्टर्स. हाय शाहिद, आई वांट टू आस्क एक सवाल और कि हाल ही में आपकी जो वाइफ है मीरा, उन्होंने एक एड में काम किया है, और क्या हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आगे उनसे माइक ही छीन लिया वो नहीं दे रहे? एक सेकंड, क्या ऐसा ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, होल्ड ऑन टू इट. ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे वो भी फिल्मों में नजर आए, वो भी एक्टिंग करें, कुछ बताएंगे इस बारे में? सर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप उनसे पूछिएगा, आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं, दे डू व्हाट दे लाइक, एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, यू आर वेरी रॉन्ग. आप थोड़े ओल्ड स्कूल लगते हो. Thank you. I want to ask the director and the actors, like I see your social relevant films and serious issue mein humor lana kitna aasan ya mushkil hota hai even the actors. Mere khayal se iska sahi jawab hamare jo writers hain Garima and Siddharth wo denge, wahi unki aatma janti hai ki wo kitna mushkil se uske andar humor late hain. Also the actors besides the writer. So we'll start with Siddharth and Garima. Then you start. सर कैमरे के सामने. हाँ, सो ह्यूमर लाना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम होता है, बट जब आ जाता है तो बहुत आसान लगता है देखने में. और मुझे ये लगता है कि ह्यूमर से हम वो कह सकते हैं, अगर हम प्यार हंसते हुए चांटा भी मार दें किसी को तो चल जाता है, गुस्से में अगर हम कुछ एक बात भी कह दें तो वो जिंदगी भर की बात बन जाती है. तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम हंसाएं और थप्पड़ भी मार दें साथ से. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक फिल्म के स्क्रिप्ट बनने के बाद में कि आपकी कास्ट और डायरेक्टर आपको कितना उसको कितना तरीके से साकार कर सकते हैं. तो ऐसी हमारी जो कास्ट थी शाहिद, श्रद्धा, दिव्येंदु, श्री सर के डायरेक्शन के अंदर इतना बढ़िया इतना अच्छा माहौल था सेट्स पे कि वो ट्रांसलेट होता है फिल्म के अंदर. सो दैट आई थिंक इज द सोर्स ऑफ ऑल पॉजिटिविटी एंड ह्यूमर दैट यू वॉच ऑन स्क्रीन नाउ. ओके, एंड शाहिद एंड श्रद्धा लाइक टू ब्रिंग इन ह्यूमर एंड मेक इट रियली लुक कन्विंसिंग इन अ when you are doing a serious subject. I think that pura process fir film entertaining ho jati hai aur main bhi audience hu, film audience hu, to agar ek socially relevant film mujhe dekhne ko mil rahi hai that has entertainment in it as well aur main has has ke mujhe kuch inspiration milti hai, to I think ki wo sabse behtareen tarika hai
एक सोशल इश्यू को लाइट में लाना और ऑडियंसेस को एंटरटेन भी करना. तो मैं बहुत एक्चुअली मैं बहुत बहुत खुश थी जब श्री सर ने मुझे श्री सर सिड और गरिमा को लगा कि मैं नॉटी का किरदार निभा पाऊंगी. बहुत ही एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट के थ्रू एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू हम एड्रेस कर रहे हैं एंड उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आया एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो आर एंटरटेन्ड. या सो मैं इसके बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा. एक तो ये कि आम जिंदगी में रोज डिप्रेशन नहीं होता. यू नो नॉर्मल जिंदगी चल रही होती है, लोग हंसते खेलते खुशहाल लोग होते हैं आम जिंदगी में जो देखा जाता है, और तब कोई एक इशू आता है जो आपको परेशान करता है. तो आई थिंक दैट्स रिप्रेजेंटिंग रियल लाइफ. लाइफ में हमेशा हर चीज़ दुखी और हर चीज़ खुश नहीं होती है. दो इश्यूज होते हैं जब आप एक सीरियस सब्जेक्ट या एक सोशल इशू को उठाते हैं तो लिमिटेशन हो जाता है कि लोग क्यों देखना चाहेंगे, बिकॉज बोरिंग हो जाएगा. और दूसरी तरफ जब आप एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं तो इशू ये हो जाता है कि भाई हम नया क्या कहने वाले हैं, ऑडियंस बोर हो जाएगी 20-25-30 मिनट के बाद, कुछ नया कहने के लिए बचेगा नहीं, तो लोग बोले कहानी क्या है बॉस. सो व्हेन यू कैन फाइंड अ वे ऑफ पुटिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर, सो यू गेट समथिंग दैट इज रेलिवेंट and you get a storyline that makes sense and that is fresh and different, but you get a film that's entertaining, so people who are paying money to come in to get entertained, which is why people enter a film theater, they don't get to come here to get educated, they get a story and they get entertained. So I think it's something that I would say is the flavor of the season. I think there are a lot of films in this genre which are coming out right now and are being appreciated in the widest possible range. So I think that's my learning as an actor, कि 15 साल से जो मैं फिल्में देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, मुझे ये समझ में आया है कि ये स्पेस जो है फिलहाल ये लोगों को बहुत अपील कर रही है, बिकॉज एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है और स्टुपिडिटी और नॉन सेंसिकल चीज़ें भी नहीं हो रही हैं, कहानी भी है, एंड यू कैन वॉक अवे विथ समथिंग दैट मे बी विल स्टे विथ यू. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट सिनेमा, दैट दे कैन टेल यू समथिंग अबाउट लाइफ और दे कैन टच यू इमोशनली. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ सिनेमा, सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. Ask him a question, यार. भूषण जी, कौन सी फिल्म है ये? सर उत्तराखंड की पिक्चर है, अलग स्टेट है, यूपी एक अलग स्टेट है सर. उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आजू बाजू में है बट अलग है सर. आपको लगा यूपी है, बट ये राइटर्स तो आपको ढूंढेंगे. नो मे बी कहां है वो इंसान जिसने बोला है यूपी है, ये तो उत्तराखंड है. और छोटे शहरों की शायद कहानियों के बारे में आप शायद ये बोलना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट यूपी और भी शहर हैं. तो छोटे शहरों की जो चीजें हैं, जैसा श्री सर ने पहले भी कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये शहरों में फिर भी आई गई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन एक छोटे शहर में ये चीज लाइक मेरा कैरेक्टर जो फिल्म है वो उसको इतना ज्यादा अफेक्ट करती है कि वो एक बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप लेने पर मजबूर हो जाता है. सो आई थिंक सिर्फ यूपी नहीं, बहुत सारे ऐसे छोटे शहर हैं जिनकी सैनिटेशन की प्रॉब्लम या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो लोग फेस कर रहे हैं. तो उनके थ्रू लाना आई थिंक कहीं ना कहीं एक पर्सनल टच भी मिलता है आपको, एंड इट्स अ न्यू वे ऑफ आल्सो टू टेलिंग अ स्टोरी. आई हैव वन क्वेश्चन हियर. ये दो माइक्स देके बहुत गड़बड़ हो गई. भूषण जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप उत्तराखंड तक गए बट व्हाई यू डिडंट चोज वाराणसी, लाइक आपने आरती का सीधा, बिकॉज आई बिलोंग्स टू वाराणसी. सो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने वाराणसी को क्यों नहीं चूज किया, बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, यू नो सीरियसली इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन वाराणसी. आई थिंक ये तो श्री जी बताएंगे कि आपने वाराणसी क्यों नहीं चूज किया, वहां इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा प्रॉब्लम है. वहां के लोगों को मैसेज देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो आरती जो है वो ऋषिकेश में है, वो गंगा वाराणसी की नहीं है. मैंने उससे रिलेट किया एक्चुअली कि अगर आपने आरती का सीट, तो आरती खाली बनारस में नहीं होता ना, बट सीक्वल बन सकता है सर वाराणसी में फिर सब जगह. हां थैंक यू. ओके शाहिद, इट्स अ बिगर सेकंड वर्जन. ओके पूछना, ओके शाहिद आपके लेफ्ट में. अरे पूछना है यार शाहिद, यहां आपके लेफ्ट शाहिद. गाइस थैंक यू. गौरव जी एक मिनट रुकिए. शाहिद दोबारा बत्ती जलने वाली है. शाहिद दोबारा बत्ती जलने वाली है आपके घर में. आई मीन दूसरी बार आप भाई तुम्हारा फिल्म से रिलेटेड सवाल नहीं है. तुम कोशिश कर रहे हो कि बच्चे की पैदाइश को इस फिल्म के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से जोड़ दो. तुम ग्रेट इंसान हो. ऐसा नहीं है. इन लोगों को तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए. तुमने किन दो चीजों को नहीं, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ बच्चा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है इस इंसान के लिए. नहीं तो दोबारा बाप बनने वाले आप क्या कहना चाहेंगे आप शाहिद हैं शूटिंग के दौरान?
नहीं बत्ती बत्ती जाने का प्रॉब्लम बड़ी फनी चीज़, मैंने एक्चुअली अपनी एक इंस्टा स्टोरी पे भी डाला था जब हम देहरादून में थे, हम लोग आए थे और स्केड्यूल शुरू होने वाला था और हम सब बैठ के खाना खा रहे थे, वहाँ पे सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली गई और फिर कुछ घंटे बाद आई। इवन जब हम ऊपर टिहरी में शूट कर रहे थे विच इज़ स्लाइटली हायर अप, कई बार इलेक्ट्रिसिटी जाती है। बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है सर, ये हमें रियलाइज़ नहीं होता, ये बहुत जेन्युइन और बहुत बड़ा और बहुत रेलेवेंट प्रॉब्लम है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से पानी कहीं नहीं पहुंच सकता, ठंड में पानी गर्म नहीं हो सकता, आपको हीटर की सर्विस या किसी तरह की ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं हो सकती, स्कूल्स के अंदर बच्चों को एजुकेशन के लिए पंखा नहीं है, बल्ब नहीं है, बच्चे शाम को पढ़ाई कैसे करेंगे, वो मोमबत्ती में पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे पढ़ाई करें, हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं वो प्रोवाइडेड नहीं है लोगों के पास। तो वी हैव यू नो वी हैव ऑब्वियसली बीन टोल्ड अबाउट दिस बाय सिद्धार्थ गरिमा श्री सर, दे हैव गॉन एंड रिसर्च दिस एंड दैट इज़ वाई वी थॉट कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। वो तो सवाल के बाद पता चलेगा बेटा। शाहिद अच्छा, बट शी हैज द माइक, लेट हर फिनिश ना। अरे ऑन कर दो यार, 5-10 मिनट ऑन कर दो, इनका अगला शो चालू होने वाला होगा यार, उनका रेवेन्यू जनरेशन स्कीम है। शी वॉज वेरी अनवेल इज वॉट वी वर टोल्ड, वी वर टोल्ड दैट यामी जस्ट केम, इनफैक्ट शी हैड फ्लोन बैक फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेलर लॉन्च, बट शी इज बीन वेरी अनवेल and as you can see she plays a very very important pivotal role in this film and I think she's extremely talented and has done a phenomenally good job in the film and in the last half an hour of the film you'll see a lot happening between me and her because she's playing the opposition lawyer and we sorely miss her presence here today. Shraddha, my question shayad mera sawal aap se hai, toilet ek frame katha ki baat kar le, padman ki baat kar le, ek naya badlav aaya hai, sanitary pads pe taxes khatam ho gaye, aap ek naya social mudda utha rahe hain, is tarah ki filmon ke sath as an actor, individual actor aur मैं पूरी कास्ट की बात करूंगा, एक रिस्क भी रहता है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इस बात का डर था क्या आपको? सेकंड क्वेश्चन दिव्यंदु के लिए, दिव्यंदु आपको नहीं लगता टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय के भाई अब शाहिद के दोस्त टाइपकास्ट हो जाएंगे, आप यही करते रह जाएंगे? भाई और दोस्त में फर्क होता है यार, और सब तरह के भाई और दोस्त, किरदार किरदार मुझे नहीं लगता। मैं आपको बताता हूँ, ये ना बहुत पुरानी बातें होती थी कि तुम हीरो के दोस्त हो या भाई हो, मुझे लगता है ये कमेंट आप मुझ पे नहीं कर रहे हैं, शायद राइटर्स पे कर रहे हैं, आप शायद ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक कैरेक्टर ऐसे ही लिख दिया। कोई भी कैरेक्टर कहानी में ऐसे ही नहीं होता है, उसकी एक रेलेवेंस होती है, वो स्क्रीन प्ले में कुछ दे रहा होता है अपनी तरफ से, है ना। तो मेरा सिर्फ यही रहता है, मैं स्टोरी देखता हूँ और अगर मुझे कैरेक्टर अच्छा लगता है तो मैं उसको प्ले करता हूं। और मेरे हिसाब से फिल्म के हीरो ये हैं, काइया कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूं, बड़ा कपटी काइया कमीना, इन्होंने स्पेशली मेरे लिए वर्ड, जब मैं कास्ट हो गया फिल्म में तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था, फिर ऐड हुआ कमीना, तो मैं कमीना कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं, हीरो फिल्म के ये हैं। नहीं, और दोबारा से आपके सवाल का जवाब नहीं, आप बहुत पर्सनली ले रहे हैं, शायद शायद बताना चाहेंगे आप, इट्स अ रिस्क और इट्स अ चैलेंज, इट्स अ रिस्क और चुप है, इट्स अ रिस्क और चैलेंज, और जुबान भी लैंग्वेज भी बहुत ही कमांड रही है, हर हर बात आप किरदार जितने भी ठहरे हैं, क्योंकि वो वहाँ उत्तराखंड की जुबान वैसी है, वो डायलेक्ट वैसा है, उस पे गढ़वाली डायलेक्ट है इस फिल्म की, लेकिन तो उस पे कितना काम किया, क्या आपको लगता है इस रिस्क जी? पहली बार जब हमने स्क्रिप्ट सुनी थी तो हम सबकी यही फीलिंग थी, और दिव्येंदु काफी एंड में आए थे इस फिल्म के अंदर, तो वो पहले दो दिन तो उनकी हवाइयां ही उड़ी हुई थी, ब्रो ये हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस, सो वी वर ऑल वेरी वेरी अवेयर कि इस फिल्म के अंदर जो डायलेक्ट है, और कई रीडिंग्स की मैंने और श्रद्धा ने काफ़ी रीडिंग्स की साथ में, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ इट, बिकॉज एक्चुअली इस लैंग्वेज में सब उल्टा कहा जाता है, मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ कि जगह वहाँ जाने वाला हूँ मैं, मतलब ऐसा द होल वे इट इज़ एक्सप्रेस इज़ वेरी डिफरेंट, एंड देन देर आर द वर्ड्स लाइक बल एंड ठहरा एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू लर्न इट, बट आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म, बिकॉज किसी भी फिल्म में फ्लेवर अगर डायलेक्ट एक्साइटिंग हो, नया हो, अलग हो, तो फिल्म बहुत ही ग्राउंडेड और रियल ग्रास रूट हो जाती है, लोगों को ऐसा लगता है यार ये हमारी कहानी कही जा रही है, पाजी को छोड़ के जिनको लगता है, पंजाब को छोड़ के पूरा हिंदुस्तान सेम है, यूपी उत्तराखंड सब सेम है, बट तुम लोगों को जाना चले जाओ, तुम्हारी फोटो के चले जाओ यार, जिनको सवाल पूछना उनको सवाल पूछना, जिनको फोटो खींचना उनको फोटो खींचना, तो थैंक यू। ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया,
लेकिन मैं चाहूंगा कि फिल्मों के जरिए अगर मैं कुछ बात कह सकूं, अपनी लोगों तक पहुंचा सकूं, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। बेसिकली हंसते हंसते हालत खराब है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ विद ऑल द फिल्म्स एंड वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट बत्ती गुल मीटर चालू। एक आई थिंक मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ एज एन एक्टर कि ऐसी स्क्रिप्ट मुझे ऑफर हुई जो सोशली रेलिवेंट है, जो हम उम्मीद करते हैं कि इस इशू को एक इशू को हेल्प करे एक सोल्यूशन। आई होप दैट द इशू फाइंड्स अ सोल्यूशन एंड वी कैन हेल्प इट। आई रियली फील कि एज एन एक्टर अगर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं तो यू आर वेरी वेरी लकी टू थ्रू योर फिल्म सेंड आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू। बाद में बात करें उसके बारे में। गाइज आस्क हिम इफ ही वांट्स टू डू अ फिल्म विद मी फर्स्ट। नो नथिंग नथिंग राइट नाउ गाइज। Thank okay, you, one last question, you. Then we're done. Are we done? Yeah, one last question. One last question. लोग उठ चुके हैं. सवाल ना पूछा जाए. हाँ. अबे पूछ लो यार. क्या है? अरे यार, film related सवाल भाई. अरे जाम है इधर ही उतर जाओ इधर ही। अरे हरी बोल ओ हरी बोल मैडम जी, रुकिए गुड मॉर्निंग। अरे रुक रे मैडम, रुको अरे बाबा ये अरे आप पीछे और पीछे श्रद्धा ऊपर श्रद्धा मैम एक बार साथ में करते क्या बोल श्रद्धा जी एक बार साथ में कर
Thank you.
Oh, yeah.
इतना बेसिक चले रेडी है बस भी नहीं होता इतना रेडी बट द कम क्लोज हां वेरी गुड साइस इज एंड इफ इट लुक्स लाइक दैट अगेन एंड बी ओके भाई एक सर एक सोलो सर सोलो आवा सर तीसुना सर सर राइट सर 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 सेंटर चलो बस अंदर चलो रुकना हाँ रुको एक मिनट क्या हुआ हेलो चेक चेक इसको लाउड करो थोड़ा भाई सुनो ज़्यादा तीतर बीतर करने की ज़रूरत नहीं ठीक है सुनो मेरी बात हमने स्क्रिप्ट लिखी है समझ रहे हो कल रात को एक घंटा में ऐड करके ठीक है मेरा नाम गौरव कपूर है मैं इस इवनिंग का होस्ट हूँ एंड आई एम ऑल्सो स्टैंड अप कॉमेडियन कितने लोगों ने किसी ने वीडियो देखा मेरा ऑनलाइन यूट्यूब पे एक दो तीन चार यस 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 ओके सही बंदे ने देख लिया है ठीक है पर करियर ठीक चल रहा है ठीक है तो क्या करेंगे फॉर बिफोर स्टार्टिंग द शो बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेलर ओके गाइस आर यू लिसनिंग एवरीवन इज एवरीवन लिसनिंग टू मी सब लोग सुन रहे हैं कैन आई हैव लाउड चीयर फ्रॉम ऑल ऑफ यू ठीक है बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मल ट्रेलर लॉन्च वी हैव प्रिपेयर्ड अ स्मॉल स्किट फॉर यू सुनोगे सब लोग सुनोगे ठीक है एंड यू नो स्क्रिप्ट अ कॉमेडी स्क्रिप्ट वर्क्स बेस्ट If everyone is involved, सब लोग involved रहना पड़ेगा साथ में हैं सब लोग involved नहीं Yes, yes, चल गौरव हाँ ठीक है देखो सी इधर थैंक यू दिव्यंदु थैंक यू ठीक है किसी भी स्क्रिप्ट को काम करने के लिए तीन चीजें होती हैं ठीक है कॉमेडी स्क्रिप्ट के लिए आप लोगों का साथ चाहिए मुझे देर आर थ्री थिंग्स अबाउट कॉमेडी दैट इफ यू लाइक अ जोक देन यू लाफ इफ यू रियली रियली लाइक अ जोक देन यू Laugh more and clap. ठीक है But if you do not like a joke, मैंने payment advance में ले लिया है तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है तो मेरा नाम गौरव है और नाच तू तेरे को मुझे नहीं देखना क्या कर जाकर
कोई पीछे से कह रहा नाच, ठीक है कूल, मेरा नाम गौरव है। गौरव आगे बोलो बेटा। शायद को समझ आ गया कि इसके बम्बू हो रहा है स्टेज पे। ही बोलता है कोई बात नहीं संभाल लेंगे तू कर। देखो मैंने एक चीज नोटिस करी भाई साहब, एक मिडिल क्लास आदमी का सपना क्या होता है सबसे बड़ा? आगे सर ये क्या सपने यार आपके, ये कौन सपना देख रहा है रात को यार? देखो एक मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है, मैं यार फोटो खींच नहीं रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ वाले से, ठीक है कूल। एक मिडिल क्लास आदमी का सपना क्या होता है? उसे अपना घर खरीदना होता है, पर उसके बच्चों का सपना पता क्या होता है? उसको ना उस घर, उस बच्चों को उस घर में एसी चाहिए होता है, और एसी जो है ना वो इंडियन फैमिली में प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इवेंट होता है, ये ओवर द पीरियड आता है। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, हमारे घर में 1998 में जो रेनोवेशन हुआ था ना, उसमें वो खिड़की का फ्रेम लग गया था जिसमें एसी लगाया जाता है, और एसी हमारा आया 2010 में जाकर के। 12 साल मैं और मेरा भाई खिड़की से मुंह निकाल के सिर्फ हवा खा रहे थे। हाँ भाई ये हवा तो चल रही है सही, एसी गुला पर हवा पूरी तरीके से चालू है यहाँ पे। फिर एसी आया 2010 में। और एक नॉर्मल आदमी घर में एसी क्यों लगाता है कोई बताएगा मुझे? कल यार 3 घंटा बैठ के लेगा इनको फ्रेम की पड़े यार। कसम से यार क्या। ओके इट्स ऑल इम्प्रॉम्प्टू ओवर हियर नाउ। ठीक है एक बंदे को एक बात बताओ, एक आदमी एसी क्यों खरीदता कोई बताना चाहेगा मुझे? हवा खाने के लिए, ठंडी हवा खाने के लिए, एग्जैक्टली, ताकि चैन से रात को सो पाए, दिन गर्म हवा खाने के लिए एसी। वो खराब हो गया उसकी सर्विस कराओ यार प्लीज। ठीक है बाहर बाहर बाहर, ठीक है। तो एसी इंसान खरीदता है ताकि रात को दिन भर काम कर रात को चैन से सो पाए, नहीं? पर जब हमारे घर में एसी लगा ना तो मेरे पिताजी की रात की नींद हराम हो गई।